भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की अच्छी बिक्री होती है और आपके पास ओला S1, सिंपल वन ई बाइक गो रगड़ के साथ ही TVS iQube, एथर 450X, बजाज चेटिक इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक एट्रिया, हॉप इलेक्ट्रिक लियो, ओकिनावा R30 और एम्पियर V48 जैसे स्कूटर के ऑप्शन मौजूद हैं। देखिए प्राइस, बैटरी रेंज और टॉप स्पीड। टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया। बैटरी रेंज प्राइस। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, चाहे इलेक्ट्रिक बाइक हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो या इलेक्ट्रिक कार। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण अब हजारों लाखों लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही पसंद कर रहे हैं और इनकी खूब बिक्री भी हो रही है। बीते दिनों हमने आपको भारत में बिकने वाली टॉप 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स की जानकारी दी थी। आज हम आपको भारत के टॉप 10 पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें लोगों का खूब प्यार मिला है। इनमें कुछ हाल ही में लॉन्च हुए हैं और इनकी जल्द ही बिक्री शुरू होने वाली है। भारत में बीते दिनों ओला S1, सिंपल वन और ई बाइक गो रगड़ जैसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हुए, जो कि शानदार लुक, पावरफुल और एडवांस फीचर्स के साथ ही बेहतरीन बैटरी रेंज वाले हैं। भारत में बिकने वाली टॉप 10 स्कूटर की बात करें तो ओला S1, सिंपल वन ई बाइक गो रगड़ के साथ ही TVS iQube, एथर 450X, बजाज चेटिक इलेक्ट्रिक, हॉप इलेक्ट्रिक लीफ, हीरो इलेक्ट्रिक एट्रिया, ओकिनावा R30 और एम्पियर V48 जैसे ऑप्शन जबरदस्त हैं। बेहतरीन लुक और फीचर्स। भारत के टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और खासियत की बात करें तो बीते दिनों लॉन्च ओला S1 और ओला S1 प्रो की कीमत क्रमशः 99,999 रुपये और 1,21,999 रुपये है। ओला का दावा है कि इसे सिंगल चार्ज पर 181 km तक चलाया जा सकता है और इसकी टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। बीते दिनों सिंपल एनर्जी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1.09 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। दावा है कि इसे सिंगल चार्ज में 236 km तक चलाया जा सकता है और इसकी टॉप स्पीड भी 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर। भारत में एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी अच्छी बिक्री होती है और इसकी कीमत 1.13 लाख रुपए से लेकर 1.32 लाख रुपए तक की है। कंपनी का दावा है कि इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 116 km तक चलाया जा सकता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। बजाज चेटिक इलेक्ट्रिक स्कूटर की भारत में खूब बिक्री होती है। कीमत की बात करें तो इसे भारत में 1.42 लाख रुपए से लेकर 1.44 लाख रुपए तक पेश किया गया है। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की बैटरी रेंज 95 किलोमीटर तक की है। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चला सकते हैं। अच्छी बैटरी रेंज और स्पीड। भारत में TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी अच्छी डिमांड है। इसकी शुरुआती कीमत 1.15 लाख रुपये है। इसे सिंगल चार्ज पर 75 km तक चला सकते हैं। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इसे 78 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से चला सकते हैं। बीते दिनों भारत में ई बाइक गो ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर ई बाइक गो रगड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया, जिसके ई बाइक गो G1 रगड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये और ई बाइक गो G1 जोड़ रगड़ वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये है। इसकी बैटरी रेंज के बारे में दावा किया गया है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह 160 किलोमीटर तक चल सकता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। बजट और मिड रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर। भारत में हीरो इलेक्ट्रिक एट्रिया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी काफी पॉपुलर है, जिसकी कीमत 63,640 रुपये एक्स शोरूम है और इसे सिंगल चार्ज में आप 85 किलोमीटर तक चला सकते हैं। वहीं इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ हॉप इलेक्ट्रिक लियो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पॉपुलर है, जिसकी कीमत 72,818 रुपये है। दावा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज में 125 किलोमीटर तक चला सकते हैं। वहीं इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में ओकिनावा R30 आप 58,992 रुपये में खरीद सकते हैं और इसकी बैटरी रेंज 48 किलोमीटर है।
वही एम्पिया V48 आपको 34,899 रुपए में मिल जाएगा और इसकी बैटरी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।